प्यारे बच्चों नमस्कार, मैं लूनेश कुमार वर्मा शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय छछानपरी जिला रायपुर में व्याख्याता के रूप में पदस्थ हूँ। आज हम अध्ययन करेंगे कक्षा सातवीं विषय हिंदी का। आज हम पढ़ने जा रहे हैं पाठ 20। पाठ का शीर्षक है लक्ष्य भेद। इस पाठ को लिखा है श्री रामनाथ सुमन जी ने। प्यारे बच्चों, किसी भी मनुष्य की सफलता और उसके जीवन की सार्थकता उसके लक्ष्य निर्धारण और उस लक्ष्य प्राप्ति के लिए नियमित कठिन परिश्रम पर निर्भर करता है। इसके विषय में हमने कुछ अंश पहले कालांश में देखा। वहां हमने दो दृष्टांत देखा। पहला दृष्टांत महाभारत, जिसमें आचार्य द्रोण अपने शिष्यों को धनुर्विद्या सिखा रहे थे। जब धनुर्विद्या की शिक्षा पूरी हुई तब उनकी शिक्षा की परीक्षा के लिए अपने शिष्यों को वे एक वृक्ष के पास ले गए और उन शिष्यों से बारी बारी से एक प्रश्न पूछा, तुम्हें क्या दिखाई देता है? सभी शिष्यों ने अपने अपने अनुसार से उत्तर दिया, किंतु आचार्य द्रोण अर्जुन के उत्तर से संतुष्ट हुए, क्योंकि अर्जुन का उत्तर यह था कि मुझे केवल चिड़िया की आंख की पुतली दिखाई दे रही है। इस उत्तर को सुनकर आचार्य द्रोण गदगद हुए, क्योंकि उन्हें पता था अर्जुन का लक्ष्य सधा हुआ है। इसी तरह से एक दूसरी घटना हमने देखा मराठा इतिहास का। मराठे सिंहगढ़ पर विजय प्राप्त करने के लिए एक रस्से के सहारे से सिंहगढ़ पर चढ़ गए और वहां जाकर लड़ाई करने लगे। ऐसे में उनका नेता तानाजी वहां मारा गया और उनके नेता के मारे जाने पर सारे सैनिक तितर बितर होकर भागने लगे। इस स्थिति को देखा तानाजी के छोटे भाई सूर्या जी ने और उन्होंने जिस रस्ते के सहारे हुए सैनिक चढ़कर सिंहगढ़ के किले तक आए थे उस रस्ते को जाकर चुपके से काट दिया और सैनिकों से कहा, अरे सैनिकों भागते कहां हो, वो रस्ता तो मैंने पहले ही काट दिया है। अब सैनिकों के सामने वापस जाने का कोई मार्ग नहीं था और फिर वे जी जान से दुश्मनों के साथ लड़ाई करने में जुट गए और ऐसा लड़े कि विजय प्राप्त कर ली। तो ये जो दो दृष्टांत हैं इनके जरिए जीवन के इन्हीं यथार्थ को समझ के साथ प्रस्तुत करने का प्रयास इस पाठ में किया गया है। आचार्य द्रोण को अर्जुन ने जो जवाब दिया वह जवाब ही अर्जुन के लक्ष्य के प्रति तन्मयता को सिद्ध करता है। और ऐसा ही जो उदाहरण मराठों का इस पाठ में प्रस्तुत किया गया है वह भी विचलित मनः स्थिति से उबर कर एक निर्णायक युद्ध करते हुए हारती हुई बाजी जीत लेने का है। यहां महत्वपूर्ण बात यह है कि हम किसी भी कार्य को कैसे करते हैं, सार्थकता और पहचान उस कार्य को मिलती है जिससे प्रतिबद्ध होकर एक निष्ठा भाव से किया जाए। अर्थात किसी भी कार्य को जब हम करते हैं तो उसके प्रति हमें एकनिष्ठ होना चाहिए, हमारा लक्ष्य निर्धारित होना चाहिए और उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ही हमें कदम उठाना चाहिए। द्वारा किसी भी कार्य को किया जाना सार्थक होगा और इससे ही उस कार्य को पहचान मिलेगी और हमारी सफलता सिद्ध होगी। ये जो दो प्रसंग आपके सामने आए हैं उनमें से अर्जुन की उस परीक्षा के बाद हजारों वर्ष बीत गए हैं, पर आज भी जीवन की परीक्षा में कोटि कोटि मनुष्यों के सामने आचार्य द्रोण का वह प्रश्न उपस्थित है, तुम्हें क्या दिखाई देता है? यहां पर देखिए शब्द देख रहे हैं आप, कोटि कोटि, इसका तात्पर्य होता है करोड़ों करोड़ों। अर्थात जब से वह प्रश्न आया है अर्जुन के समक्ष तब से संसार में जितने लोग हुए हैं उन सब के समक्ष यही एक प्रश्न दिखाई देता है, यह प्रश्न ही उपस्थित होता है कि तुम्हें क्या दिखाई देता है, अर्थात तुम्हारा लक्ष्य क्या है, लक्ष्य के प्रति तुम्हारी दृष्टि कैसी है। जब तक लक्ष्य सधा हुआ नहीं होगा तब तक सफलता नहीं मिलेगी, इसलिए सफलता प्राप्त करने के लिए लक्ष्य का सधा हुआ होना आवश्यक है और जब लक्ष्य सधा हुआ होगा तभी हम लक्ष्य भेद कर पाएंगे। इस प्रश्न के
उचित उत्तर पर ही जीवन की सिद्धि निर्भर है कि तुम्हें क्या दिखाई देता है। इस प्रश्न का समुचित उत्तर मिलना चाहिए। मानव जीवन की सफलता असफलता यह एक चिरंतन कथा है, अर्थात किसी भी कार्य में हमें सफलता प्राप्त हो सकती है, किसी कार्य में हमें असफलता प्राप्त हो सकती है। सफलता और असफलता दोनों परस्पर पूरक हैं। कोई आवश्यक नहीं कि हमें सदैव सफलता प्राप्त हो, लेकिन साथ ही हमें ध्यान यह रखना है यदि हमें असफलता मिलती है तो असफलता से भी हमें सीख मिलती है, क्योंकि सफलता की जड़ असफलता में छिपी होती है। गलती को नहीं दोहराना यह सफलता की प्रथम निशानी होती है। मानव जीवन की सफलता असफलता यह एक चिरंतन कथा है, अर्थात सफलता और असफलता ये दो पहलू होते हैं और ये मनुष्य के साथ चिरंतन कथा मतलब आदिकाल से ये कथा जो है मनुष्य के साथ चल रही है। यह उत्तर लक्ष्य भेद का एक ही उपाय बताता है, लक्ष्य में तन्मयता। यदि लक्ष्य के प्रति हम तल्लीन हैं, लक्ष्य को हमने साध लिया है, केवल और केवल उस दिशा में ही हम कार्य कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से हमें सफलता प्राप्त होगी। और लक्ष्य के प्रति एकनिष्ठ भाव से लगना यह ही कहलाता है लक्ष्य में तन्मयता। जहां साधक लक्ष्य में तन्मय है, साधक मतलब साधना करने वाला, किसकी साधना करने वाला, जिस कार्य को हम करना चाहते हैं, जो हमारा उद्देश्य है, जो हमारा लक्ष्य है, वो क्या हो गया, वह लक्ष्य है, और उस लक्ष्य को प्राप्त करने की चाह रखने वाला यह साधक। तो जहां साधक लक्ष्य में तन्मय है, जहां उसे और कुछ दिखाई नहीं देता, जहां वह सब कुछ भूल गया है, अपने चारों ओर के ध्यान बटाने वाले पदार्थों को भूल गया है, लक्ष्य है, लक्ष्य है और कुछ नहीं है, वहां लक्ष्य भेद निश्चित है। अर्थात व्यक्ति यदि यह ठान ले कि मेरा जो लक्ष्य है केवल केवल वह लक्ष्य है, इसके अलावा मुझे कोई दूसरी चीज दिखाई नहीं देती है, ऐसा जब व्यक्ति अपने लक्ष्य के प्रति ठान लेता है, तब निश्चित रूप से उसका लक्ष्य भेद सुनिश्चित हो जाता है, अर्थात उसे सफलता अवश्य प्राप्त होती है। दूसरी घटना जो मराठों की है, वह भी यही कहती है कि जब तक रास्ता काटकर पीछे लौटने की संपूर्ण संभावनाओं का अंत आपने नहीं कर दिया, जब तक लक्ष्य से मन को इधर उधर भटकाने वाला एक भी साधन आपने बचा रखा है, तब तक लक्ष्य भेद नहीं होगा। अर्थात हमारा यदि हम लक्ष्य को साधना चाहते हैं, तो इधर उधर मन को भटकाने वाले जो तत्व या कारक हैं, उन सबको हमें समाप्त करना होगा, केवल केवल एक मार्ग हो, तब हमारा लक्ष्य सधा हुआ हो सकता है। यह सीख हमें मिलता है मराठों के इस इतिहास के प्रसंग से। इन दोनों में जो दो घटनाएं हमने देखा, एक आचार्य द्रोण और अर्जुन का प्रसंग, दूसरा मराठों के सैनिकों का जो युद्ध था उसका, इन दोनों में एक ही बात दोहराई गई है, लक्ष्य में चित्त को केंद्रित करके लक्ष्य भेद करेंगे। अर्जुन का भी लक्ष्य सधा हुआ था, और जब सैनिकों के समक्ष इधर उधर आने जाने का रास्ता बंद हो गया, अब केवल जीवन मरण का प्रश्न आया उनके सामने, तब उन्होंने लक्ष्य भेद किया, अर्थात सफलता उन्होंने प्राप्त किया। तो ऐसे ही हमें भी अपने जीवन में लक्ष्य के प्रति अपने दृष्टि को क्या करना है, एकाग्र करना है। इधर उधर ध्यान भटकाने वाले कारक हैं, उनको हमें समाप्त करना होगा, तब हम सफलता प्राप्त कर पाएंगे, हम लक्ष्य भेद कर पाएंगे। जिस तरह से धनुष से छूटने वाला बाण वायुमंडल में यहां वहां नहीं घूमता, आप देख रहे हैं जैसे धनुष बाण, इसे जो तीर निकलता है वह इधर उधर नहीं जाता है, वह अपने चारों ओर के पदार्थों से नहीं उलझता, वह दाएं बाएं ऊपर नीचे नहीं देखता, वह जिस क्षण छूटता है उसी क्षण से अपने लक्ष्य में केंद्रित होता है। उसका लक्ष्य एक है, उसकी दिशा एक है, वह सीधा जाकर अपने लक्ष्य में मिल जाता है। तो धनुष से छूटा हुआ तीर, उसकी दिशा एक होती है, उसके भटकाने वाले कारक वहां नहीं होते हैं, होते भी है तो उनसे वह भटकता नहीं है, तभी वह अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाता है, क्योंकि उसकी दिशा एक है, उसका लक्ष्य एक है। तो ऐसे ही आपके जीवन में भी जो लक्ष्य है, जो दिशा है, वो सुनिश्चित होना चाहिए, तभी आपको सफलता प्राप्त होगी। प्यारे बच्चों, आपने कुतुबनुमा सुई देखा है, कुतुबनुमा सुई की भांति एक दिशा और एक लक्ष्य में केंद्रित होना उद्देश्य सिद्धि का उपाय है। इससे हमारे जीवन के मार्ग में दूसरे सैकड़ों प्रकाश हमें अपने मार्ग से बहका देने के लिए चमकेंगे। अब देख रहे चित्र में आपको दिखाई दे रहा है कुतुबनुमा, इसकी यह विशेषता होती है कि यह सदैव
उत्तर दिशा में जाकर ठहरता है। आपने अपने विद्यालय में देखा होगा, प्रयोगशाला में, वहाँ एक कुतुबनुमा सुई होती है जो सदैव उत्तर दिशा में जाकर ठहरती है। ये आप देख रहे हैं चित्र में, आपको दिखाई दे रहा है। तो ऐसे ही जैसे कुतुबनुमा के सुई सदैव उत्तर दिशा में ठहरता है, क्योंकि उसका लक्ष्य है केवल और केवल उत्तर दिशा। क्योंकि देखिए, लक्ष्य जब तक सुनिश्चित नहीं होगा तब तक हमारे उद्देश्य की प्राप्ति नहीं हो पाएगी। तो उद्देश्य को यदि हम प्राप्त करना है, उद्देश्य को सिद्ध करना है, उद्देश्य को हासिल करना है, तब हमें क्या करना पड़ेगा, अपने लक्ष्य को सुनिश्चित करना होगा। और जब हम लक्ष्य को सुनिश्चित कर लेते हैं तब हमारे जीवन के मार्ग में दूसरे सैकड़ों प्रकाश हमें अपने मार्ग से बहका देने के लिए चमकेंगे। अर्थात जब हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं तब वहां से सफलता के और भी अनेक रास्ते हमको प्राप्त होंगे। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जब हम लक्ष्य प्राप्त करने के लिए अग्रसर हैं तब बहुत से कारक ऐसे होते हैं जो हमें अपने मार्ग से बहका देने वाले होते हैं, डिगा देने वाले होते हैं। लेकिन हमको इन सब में भटकना नहीं है, हमको केवल और केवल अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर होना है। क्योंकि लक्ष्य की ओर अग्रसर होंगे तभी हमारा उद्देश्य जो है सिद्ध होगा, अर्थात हमारा कार्य सफल होगा। और प्रयत्न करेंगे कि हमें अपने कर्तव्य और सत्य से डिगा दें, पर हमें चाहिए कि अपने उद्देश्य की सुई को ध्रुव तारे की ओर से कभी न हटने दें। जैसे आसमान में आप देखते हैं ध्रुव तारा सदैव उत्तर दिशा में दिखाई देता है, तो ऐसे ही हमें अपने लक्ष्य को क्या करना है, साधना है। जैसे कुतुबनुमा की जो सुई होती है वह उत्तर दिशा में स्थित ध्रुव तारे की ओर सदैव अग्रसर होता है, वहां ही वह टिका रहता है, चाहे हम उसको जैसा भी घुमा लें वह सदैव उत्तर दिशा में जाकर टिकता है। तो ऐसे ही जब हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ते हैं तब मार्ग में अनेक तरह की बाधाएं आती हैं जो हमें अपने मार्ग से डिगाने का, बहकाने का प्रयास करते हैं। लेकिन हमें अपने कर्तव्य से या सत्य के पथ से, अपने लक्ष्य के पथ से डिगना नहीं है, हिलना नहीं है, विचलित नहीं होना है, तभी हम सफलता प्राप्त कर पाएंगे। मन की संपूर्ण चेतना को, इच्छा शक्ति को किसी एक कार्य, दिशा या लक्ष्य में केंद्रित कर देना ही तन्मयता है। अर्थात हमारा जो उद्देश्य है, हमारा जो लक्ष्य है, उस लक्ष्य के प्रति हमारी अपनी संपूर्ण चेतना को, हमारी संपूर्ण इंद्रियों को एकाग्र करना होगा, अपनी इच्छा शक्तियों को काबू में रखना होगा, और एक कार्य के लिए, एक दिशा, एक लक्ष्य के प्रति हमें तन्मय होकर कार्य करना, अर्थात जो हमारा लक्ष्य है उसके प्रति ही हमें सजग होना है। जिस तरह से सूर्य की किरणों को इसी आतिशी शीशे के सहारे एक कागज के टुकड़े पर केंद्रित करते हैं तो कागज जल उठता है। आपने देखा है दूरबीन, दूरबीन में जब सूर्य की किरणों को संग्रहित किया जाता है, अब उसके पश्चात दूरबीन के नीचे से जो सूर्य की किरणें आती हैं वो केंद्रित हो जाती हैं एक स्थान पर, केंद्र बिंदु बन जाता है, और उस केंद्र बिंदु बन जाने के कारण से उसके नीचे यदि कागज रखा जाए तो वो कागज जल उठता है। ये कैसे होता है, क्योंकि वहां पर जो सूर्य की किरणों में जो ऊर्जा है उसको हमने केंद्रित कर लिया। वैसे ही आपको अपने ध्यान को केंद्रित करना है, किसके प्रति, अपने लक्ष्य के प्रति, तभी आपको सफलता प्राप्त होगी। इसी तरह से जल में प्रचंड विद्युत को कुछ साधनों से केंद्रित करके बड़े बड़े कारखाने चलाए जाते हैं। शक्ति पहले भी वहीं रहती है पर बिखरी होने से वह बेकार है, एकाग्र करके उससे संसार को हिलाया जा सकता है। जैसे आपने जल देखा, जल में शक्ति होती है, यह कैसे पता चलता है, जैसे हम बड़े बड़े बांध को देखते हैं, बड़े बड़े बांधों से जब जल छोड़ा जाता है और उसको किसी टरबाइन में जब घुमाया जाता है तब वहां से जल में जो शक्ति निहित है, प्रचंड मतलब उसमें बिखरी हुई, अर्थात जल में जो निहित शक्ति है, जो बिखरी हुई है, इसको क्या किया जाता है, केंद्रित किया जाता है, और केंद्रित करके जब बड़े बड़े टरबाइन में घुमाया जाता है तब यहां हमें जल शक्ति का पता चलता है और इसे बड़े बड़े कारखाने चलाए जाते हैं। तो जल में यह शक्ति जो है पहले भी वही थी, जल में ही थी, किंतु वह बिखरी हुई थी, तब वह बेकार था, किंतु जैसे ही उसे संग्रहित किया गया, एकत्रित किया गया, तब उस शक्ति से बड़े बड़े कार्य संपन्न होने लगे। तो ऐसे ही संसार में यदि हम कोई कार्य करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें अपना ध्यान एकाग्र करना होगा। ध्यान को जब हम एकाग्र कर लेंगे तो इससे संसार को हिलाया जा सकता है, अर्थात संसार में आमूलचूल परिवर्तन लाया जा सकता है, नए नए कार्य किए जा सकते हैं, बड़े बड़े कार्य जो है साधे जा सकते हैं। कैसे, ध्यान को एकाग्र करके।
वैज्ञानिकों का कथन है कि एक एकड़ भूमि की घास में इतनी शक्ति बिखरी हुई होती है, आप देख रहे हैं घास बिखरा हुआ आपको दिखाई दे रहा है धरती पर। तो वैज्ञानिकों का कथन है कि एक एकड़ भूमि की घास में इतनी शक्ति बिखरी हुई होती है कि उसके द्वारा संसार की सारी मोटरों और शक्तियों का संचालन किया जा सकता है। ये कैसे हो सकता है? ये जो घास आप देख रहे हैं इसमें जो शक्ति निहित है, ये बिखरी हुई शक्तियां हैं, इनको हमको क्या करना पड़ेगा? एकत्रित करना पड़ेगा, संग्रहित करना पड़ेगा, एकाग्र करना पड़ेगा। एकाग्र करेंगे तब इसके माध्यम से सारी मोटरों और शक्तियों का संचालन किया जा सकता है, अर्थात संसार के हर संभव कार्य इसके माध्यम से संभव हो सकते हैं। कब? जब इन घासों में बिखरी हुई शक्तियों को हम एकाग्र करेंगे तब। संसार में काम करने वाले बहुत हैं, काम को बोझ समझकर करने वाले और भी अधिक हैं, पर लक्ष्य के प्रति समर्पित होकर उसमें एकनिष्ठ होकर काम करने वाले बहुत थोड़े हैं। पर ये थोड़े से मनुष्य ही हैं जो संसार को हिला देते हैं, जो अपनी एकाग्रता से जीवन में सफलता प्राप्त करते हैं। देखिए, जब हम संसार की बात करते हैं तो संसार में बहुत से लोग देखने को मिलते हैं, और सब जब लोगों से प्रश्न किए जाते हैं वे कहते हैं कि नहीं, हमें बहुत से काम करने हैं, ऐसा कहने वाले होते हैं। तो जो लोग काम करते हैं उनमें से अधिकांश लोग ऐसे होते हैं जो काम को बोझ समझकर करते हैं, इसलिए उन्हें सफलता प्राप्त नहीं हो पाती। किंतु कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित होकर कार्य करते हैं, और ऐसे लोग बहुत थोड़े हैं, थोड़े मतलब कम हैं। और ये जो थोड़े से लोग हैं जो अपने लक्ष्य प्रति समर्पित होकर कार्य करते हैं, ये संसार को हिला देते हैं, अर्थात इनके कारण से ही संसार में नए नए परिवर्तन देखने को मिलते हैं, नवीन आविष्कार होते हैं। तो ऐसे ही जब हम एकाग्र हो जाएंगे किसी भी कार्य के प्रति, तब निश्चित रूप से इससे हम अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। आप सबको भी अपने जीवन में अपने लिए कोई एक लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए, तो आप अपने लिए जो भी लक्ष्य चुनिए उसमें अपने मन और शरीर अपनी संपूर्ण शक्तियों को केंद्रित कर लीजिए, वह और आप एक हो जाइए, अर्थात आप और आपका लक्ष्य एक हो जाएं, दुनिया को भूल जाएं, अपने को भूल जाएं, केवल लक्ष्य के दर्शन कीजिए। जब आप और आपके लक्ष्य की बात हो रही है तो आप अपने आप को भूल जाइए, दुनिया को भूल जाइए, केवल और केवल आपको आपका लक्ष्य दिखाई देना चाहिए, केवल अपने लक्ष्य के दर्शन कीजिए और तब उसे बेध लीजिए। संसार आपका है, जीवन आपका है, सफलता आपकी है। कब? जब आप और आपके लक्ष्य इन दोनों की बात हो रही है तो आप अपने आप को भूल जाएं, अपने लक्ष्य को याद रखें, और लक्ष्य को याद करने कर और लक्ष्य को याद कर केवल और केवल उसे पाने के लिए अपने आप को लगा दीजिए, तभी आप उस लक्ष्य को बेध पाएंगे, अर्थात लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे। और यदि आप ऐसा कर पाते हैं तो यह संसार आपका है, अर्थात संसार में ऐसा कोई भी कार्य नहीं है जो आपसे संभव नहीं होगा। तो जीवन आपका है, सफलता आपकी है, आप क्या करेंगे, कैसे करेंगे, इस पाठ के माध्यम से आपको लक्ष्य भेद क्या है और उसको कैसे प्राप्त किया जा सकता है, इसके विषय में बहुत सी महत्वपूर्ण बातें आपको बताई गई हैं। प्यारे बच्चों, जैसे हम बात करते हैं भाषा की, तो भाषा में बहुत से तत्व होते हैं व्याकरण के अंतर्गत, इन्हीं में से एक है प्रत्यय। एक छोटा सा प्रश्न है, प्रत्यय किसे कहते हैं? बहुत सुंदर, वे शब्द या शब्दांश जिनका योग किसी शब्द के पीछे किया जाता है प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे सफलता, जनता, सामाजिक, पारिवारिक, वैदिक, लौकिक आदि। ध्यान दीजिएगा, जब हम बात करते हैं सफलता की तो इसमें ता प्रत्यय, सफल धन ता सफलता, तो ता यहाँ प्रत्यय है। ऐसे जब सामाजिक कहते हैं, समाज धन एक बराबर सामाजिक। ध्यान देने योग्य बात यह है कि जब एक प्रत्यय का योग होता है तब शब्द के आदि में, अर्थात शब्द का जो पूर्व शब्द होता है, पहला शब्द होता है, उसमें भी परिवर्तन होता है। यदि पहला शब्द अकारांत है तो उसको आकारांत हो जाता है, यदि ए है ए को ऐ हो जाता है, ओ है तो ओ को औ हो जाता है। तो ये एक प्रत्यय के लगने से परिवर्तन होते हैं, बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां हैं ये, इसको आपको ध्यान में रखना है। प्यारे बच्चों, अभी हमने जो अंश पढ़ा उसके आधार पर व्याकरण की बातें हम अभी कर रहे हैं। प्यारे बच्चों, व्याकरण में शब्दार्थ, विलोम, पर्याय इत्यादि बहुत सी चीजों की चर्चा होती है। आइए कुछ विलोम शब्द संबंधित एक प्रश्न आपके लिए है।
निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द बताइए। सत्य, जीवन, सफलता, सीधा। बिल्कुल सही उत्तर है सत्य का विलोम असत्य, जीवन मरण, सफलता असफलता, सीधा उल्टा। प्यारे बच्चों, अभी हमने यह जो पाठ पढ़ा लक्ष्य भेद, इसके आधार पर कुछ गृह कार्य के प्रश्न मैं आपको देना चाहूंगा। आप गृह कार्य के प्रश्न नोट करें। पहला प्रश्न है, कुतुब नुमा की सुई हमें क्या सीख देती है। दूसरा प्रश्न है, संसार में काम करने वाले कैसे कैसे लोग हैं। तीसरा प्रश्न है, लक्ष्य भेद के लिए क्या आवश्यक है, अपने मित्रों से चर्चा कर लिखिए। तो ये प्रश्न है, इन प्रश्नों को आप लिखेंगे और अपने विषय शिक्षक से इसका परीक्षण कराएंगे। प्यारे बच्चों, इस पाठ में हमने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त की, बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा यह पाठ हमें देता है। वो है, जीवन में सफलता प्राप्त करने का केवल और केवल एक ही लक्ष्य है, एक ही मार्ग है, और वह है लक्ष्य भेद। अर्थात जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए आपको अपना लक्ष्य निर्धारित करना है, और लक्ष्य निर्धारित करने के पश्चात उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आपको अपना सब कुछ भूलकर केवल और केवल लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जुट जाना है, तभी आप लक्ष्य भेद कर पाएंगे, जीवन में सफलता प्राप्त कर पाएंगे। कोई भी कार्य ऐसा नहीं होगा जो आपसे छूट जाए या जिसको आप न कर पाएं। आवश्यक है लक्ष्य निर्धारित करना और लक्ष्य भेद के लिए जुट जाने से। प्यारे बच्चों, अंत में सबको मेरा नमस्कार।